गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आज मैं आपको एक ऐसा टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ जिसमें पर्यावरण के चुनिंदा प्रश्न लिए गए हैं, जो कि अभी वर्तमान में जो आपका एग्जाम है एसी आपका, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया हूँ। आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका प्रश्न एक, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन बी मेदिनी पुरस्कार योजना, ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्रोई पुरस्कार, ऑप्शन डी पीताम्बर पंत राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी बिश्रोई पुरस्कार। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए मैं सारे जो ऑप्शन उसको डिटेल कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है कि जितने भी ऑप्शन है वो सब पुरस्कार वाले हैं। कैसे? पहला आपका ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। ये क्या होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं व्यक्ति, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका मेदिनी पुरस्कार योजना। यह जो योजना है वो उन लेखकों को दिया जाता है जो पर्यावरण संबंधित लेख लिखते हैं, उन पर्यावरण के संबंध में विषय में लेख लिखते हैं, उनको यह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर है। तो ये तो आपको पता ही है क्या है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले व्यक्ति को ये अमृता देवी बिश्रोई पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1,00,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है, ये भी आप नोट डाउन करके रख लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है पीताम्बर पंत राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या था, डी। तो इसमें क्या होता है, जो पर्यावरण विज्ञान एवं जैव विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास योजनाओं के लिए इसको दिया जाता है। ठीक है, विकास योगदान, सॉरी। क्वेश्चन नंबर टू, मेघा पाटकर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टिहरी बांध आंदोलन, ऑप्शन बी गोदावरी बांध आंदोलन, ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। अच्छा, बाकी भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या कि भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है, तो यही आपका टिहरी बांध। अच्छा, ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है और ये जो बांध है वो एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो आपको लिखना है टिहरी बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी सलीम अली, ऑप्शन डी वर्गीज कुरियन। तो देखिए सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा मैं डील कर रहा हूं और आपको राइट आंसर भी बता रहा हूं। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्गीज कुरियन। ठीक है, देखिए सारे ऑप्शन मैं क्लियर कराते जा रहा हूं, उसमें से आपको देखना है कौन संबंधित नहीं है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया वर्गीज कुरियन। अच्छा, वर्गीज कुरियन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो भारत में श्वेत क्रांति के वो जनक रहे हैं। श्वेत क्रांति मतलब आपको समझ आता होगा दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा, तो चिपको आंदोलन से वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी
क्या है आपका MS स्वामीनाथन, इनको आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझना पड़ेगा, तो आने वाले वीडियो में हम उसको थोड़ा कर देंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि भारत में जो हरित क्रांति है उनके वो जनक हैं, ठीक है, और भारत में एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में उनको याद किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सलीम अली, तो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे वे, ठीक है, उसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। अच्छा, इनके नाम पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और एक अभ्यारण्य भी है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य आप सबके लिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान इनके ही नाम पर है और डॉक्टर सलीम अली ऐसे नाम से एक आपका अभ्यारण्य भी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, इसमें जो आपका अभ्यारण्य है वो गोवा में स्थित है और राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर के एक जिला श्रीनगर वहां स्थित है, ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए मेधा पाटकर, ऑप्शन बी सलीम अली, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी MS स्वामीनाथन। तो देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि संबंधित है, तो अभी अभी हमने चिपको आंदोलन के लिए देखा था, क्या देखा था, सुंदरलाल बहुगुणा, ये तो अपन क्लियर देखे थे। अच्छा, इसमें अभी आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि और कौन थे उनके साथ, ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या था। देखिए चिपको आंदोलन का शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन नंबर सी चंडी प्रसाद भट्ट दोनों ने मिलकर इसका शुरुआत किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन मफलर संबंधित है ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण ही आपका आंसर क्यों, क्योंकि ग्रीन मफलर की बात हो रही है। देखिए ध्वनि प्रदूषण वाले स्थान में बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, तो जो बड़े आकार के वृक्ष होते हैं वो ध्वनि को अच्छा अवशोषित कर लेते हैं, या ऐसा मैं बोल सकता हूं कि जो बड़े आकार वाले पेड़ होते हैं वो ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए इसे ग्रीन मफलर कहा जाता है, ये एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी फ्राओफाइटा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काई जो कि सामान्यतः तालाब में मिलता है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जहां आपका लिखा है ना जैविक सूचक, वो आपका प्राकृतिक सूचक, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा काई। अच्छा, होता क्या है जब सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो तालाब में जो काई है उसकी भी मात्रा बढ़ जाती है। एक सर्वे आपको बताता हूं, हाल ही में ग्रीन पीस एक पर्यावरणी गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। अब बताइए सबसे बड़ा उत्सर्जक पूरे दुनिया में, तो ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रति व्यक्ति, तो यदि इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा होता विश्व का सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है तो इसमें चीन उत्तर आता, लेकिन ऐसा पूछा है क्या, ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका कतर देश। क्वेश्चन नंबर 8,
राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री हम आंसर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का चेयरमैन क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। अर्थात वर्तमान में जो भी, जैसे हमारे पास अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो उसके चेयरमैन हो जाएंगे, वैसे ही जो भी प्रधानमंत्री होगा भारत का वो क्या हो जाएगा, वहां का चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, इसका जो गठन है वो 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत है ना, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा वर्ष 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, बस देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है आपका, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक कौन सा पदार्थ करेगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी गैसोलीन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरोसिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण लेखांकन क्या है? ऑप्शन ए यह पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, ऑप्शन बी यह देश के हरित क्षेत्रों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको जानना है, जो पर्यावरण लेखांकन है उसी को हरित लेखांकन भी कहते हैं, आप नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, जापान की निम्नलिखित दो बीमारियों पर ध्यान दीजिए, पहला है आपका मिनी माता, उसके बाद दूसरा है इताई इताई। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन बीमारी के फैलने की दो वजहें कौन सी है, कौन सी दो वजह है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए पारा आर्सेनिक, ऑप्शन बी आर्सेनिक पारा, ऑप्शन सी पारा कैडमियम, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम आर्सेनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा कैडमियम। तो मिनी माता का कारण तत्व है आपका पारा, और इताई इताई का जो कारण तत्व है वो है आपका कैडमियम। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा कैडमियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैसें गंदे पानी से बनती है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी सीएफसी, ऑप्शन नंबर सी एससीएफसी, ऑप्शन डी जल वाष्प। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, देखिए पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस आप पढ़े हैं, जितने भी चार ऑप्शन दिए वो सभी ग्रीन हाउसेस गैसें हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, ऐसे गैस जो पृथ्वी को गर्म होने के लिए या गर्म करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है, कौन सा है वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथेन। मेथेन का फार्मूला हो जाएगा आपका CH4, बाकी सभी आपके फार्मूले में दिए थे है ना, सीएफसी और एससीएफसी, ये भी तो मेथेन का फार्मूला है CH4। अच्छा, मेथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है और ये गंदे पानी से बनता है।
एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया ये, ठीक है। तो धान के खेतों में कौन से गैस का निर्माण होता है, तो यही है आपका मीथेन गैस का निर्माण होता है धान के खेतों में। आपने सुना होगा ये कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे आपका कुआं है वहां से भी मीथेन गैस निकलता है। तो ये सारा डिटेल आप नोट डाउन करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निम्नीकरणीय है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में जैव निम्नीकरण भी हो सकता है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन नंबर डी रबर। देखिए होता क्या, क्या बोला है, जैव निम्नीकरण। तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो आसानी से क्या होते हैं, सड़ गल जाते हैं, या जो अपघटित हो जाता है। तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए जी, प्लास्टिक सड़ने गड़ने वाला है ही नहीं है वो, पॉलीथीन ये भी नहीं होना है, पारा ये भी नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर डी रबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, तो छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर वाले दिन को निम्न दिवस में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी विश्व ओजोन दिवस, ऑप्शन नंबर सी विश्व वन्य जीव दिवस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी विश्व ओजोन दिवस, विभिन्न देशों के द्वारा 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया और 1 जनवरी 1989 से लागू किया गया। यह ओजोन परत संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम था, यह आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा एक और है आपका विश्व वन्य जीव दिवस, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए जेनेवा सम्मेलन, ऑप्शन बी ब्राजीलिया सम्मेलन, ऑप्शन सी रियो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी विश्व सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रियो सम्मेलन। देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, इस कारण पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहते हैं। ये आप एकदम लाइन टू लाइन बताया हूं, जैसे आप याद रखते हैं ना, कहते हैं, ठीक है। तो रियो सम्मेलन, ठीक है, आपका पृथ्वी सम्मेलन कहलाता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः ऑप्शन ए जल चक्र बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्षण रुक जाएगा, ऑप्शन सी जल पादपों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी पादपों के लिए नाइट्रेट अपर्याप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, क्या है देखते हैं। देखिए जल पादपों के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त हो जाएगी। अच्छा अपन ये समझें कि जल प्रदूषण वर्तमान गति से बढ़ ही रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि सभी नदियां व तालाब, है ना, इसमें क्या होगा, शैवाल और खरपतवार, इससे पूरे भर जाएगा आपका नदी तालाब। अच्छा तो जल में घुली ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेगा कौन, जो आपका शैवाल है और आपका क्या है खरपतवार है, वो क्या करेगा, जो पानी में ऑक्सीजन घुला रहता है उसको ले लेगा। तो भाई जल के अंदर जो जली जंतु है और पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया जल पादपों के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं जल के अंदर और जो जलीय जीव जंतु है जैसे मछली है, इसको भाई कैसे ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो ये एकदम एक्सप्लेन कर दिया हूं मैं आपके लिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑप्शन ए क्लोरीन की घुली मात्रा से, ऑप्शन बी ओजोन की घुली मात्रा से, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन की घुली मात्रा से, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑक्सीजन की घुली मात्रा। ठीक है, अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ये मैं थोड़ा डील किया था, है ना, उसको भी देख सकते हैं अपन। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदियों का जो जल प्रदूषण है उसको मापा जाता है, अर्थात जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उतना ही वो जल अच्छा रहेगा, और जितना कम ऑक्सीजन रहेगा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें कम होगी वो क्या होगा प्रदूषित जल रहेगा। जस्ट आप इससे पहले जो क्वेश्चन बताया हूं मैं आपको उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग निम्न को दूर करने में होता है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी मिट्टी प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण। ठीक है, जो आपका मशीन है क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये जो आपका मशीन है एक प्रकार का, ये क्या करता है कारखाने में जो चिमनियां होती है उस चिमनियों में इसको लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा होता क्या इससे, जो कारखाने की चिमनियों से ये जो गैस निकलता है उसमें धूल और धूल के छोटे छोटे सूक्ष्म कण भी निकलते हैं उसके साथ, तो ये जो है वो वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है जो सूक्ष्म कण है। तो ये मशीन लगाने से वो जो सूक्ष्म कण है वो क्या होते हैं अलग हो जाते हैं, जिससे वो वातावरण में नहीं जा पाते और वायु प्रदूषण क्या होता है उससे कम होता है। ये आप थोड़ा इसमें जानकारी रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, IUCN की लाल सूची रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, ऑप्शन बी पुराने स्मारकों के संरक्षण के संबंध में, ऑप्शन सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए IUCN पहले होता क्या है ये पहले समझ लीजिए आप। देखिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है आपको, इसलिए मैं इसको डिटेल कर रहा हूं आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में। अच्छा, यदि ऐसा अपन नहीं करें तो क्या होगा, जो विलुप्त हो रहे हैं उनकी उनको संरक्षण की आवश्यकता है यार, सिंपल सी बात है। तो यदि अपन संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जो प्रजाति है वो तो खत्म हो जाएगा, इसलिए जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में एक रेड सूची बनाई गई है, लाल सूची बनाई गई है, जिसमें वे सभी वन्य जीव को रखा गया है जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी संरक्षण बहुत आवश्यक है अगर उसकी प्रजाति को हमको बचा के रखना है तो, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक तापमान में वृद्धि अर्थात ग्लोबल वार्मिंग किसका परिणाम है। ऑप्शन ए वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन बी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी और डी भी देख लेंगे आप। देखिए हो क्या रहा है, बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि अभी मेन मुद्दा है और वर्तमान में तो सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इसमें मैं कुछ फैक्ट डेटा आपको दे रहा हूं जो मैंने कलेक्ट किया है आप सबके लिए, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ठीक है, देखिए दो डेटा लेकर आया हूं, उसके बाद मैं आंसर के लिए चर्चा करूंगा। पहला है आपका 1880 से लेकर 2012, ठीक है, तो वैश्विक तापमान में 0.85 अंश सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है, कब से,
1880 से 2012 तक। अच्छा, दूसरा आपका डेटा है 1901 से 2010 वैश्विक समुद्री जल में 19 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बताइए 19 सेंटीमीटर। देखिए, और जो डाटा लिया हूं वो संयुक्त राष्ट्र संघ से डाटा लिया गया है ना, उसके लिए आप बेहिचक रहेंगे, आईपीसीसी, ठीक है, इससे मैं आपका डेटा लिया हूं, तो आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहेंगे कि डेटा फैक्ट है कि नहीं है। तो ये फैक्चुअल डेटा है आपका, ठीक है। देखिए, अब 19 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है समुद्री जल में, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, उससे फिर रिलेट करेंगे हम आंसर को भी। समुद्री जल में वृद्धि हो रही है 19 सेंटीमीटर की, तो जितने भी देश हैं उसके जो मेन शहर है ना वो समुद्र के तट पर ही बसे हुए रहते हैं। अब ये ऐसा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे धीरे, तो भाई अभी 19 सेंटीमीटर, फिर और बढ़ते जाएगा 21, 22, 23, तो जल समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा और उससे क्या होगा, जो समुद्र के आसपास के शहर है वो क्या होंगे, डूब जाएंगे, नक्शे से गायब हो जाएंगे। तो भाई बहुत चिंता का बात है ना, तो ये चीजें आप थोड़ा सा कर लेंगे। अच्छा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि वायुमंडल में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वायु विषाक्त हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का यही रीजन है आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए वनों से, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी समुद्री पौधों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें ज्यादातर गलतियां करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पौधों से, ठीक है। देखिए, फाइटोप्लैंक्टन, समुद्री पौधा द्वारा लगभग 70 से 80% ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। देखिए समुद्री पौधा, क्या नाम है उसका, फाइटोप्लैंक्टन। अच्छा, ये जो डेटा है वो अलग अलग पुस्तक में अलग अलग है ना, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखिए, पूरे वातावरण में जितने भी ऑक्सीजन है उसमें से 70 से 80% तो इन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में हमको ये नहीं समझना है, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए था वनों से, ठीक है, तो वनों से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है ये नहीं समझना, ये गलत है ना, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो समुद्र से निकलता है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, समुद्र जो है वो आपका 71% है, अब बचा आपका वो 30% समथिंग है ना, तो 30% आपके क्या हो गए, थल हो गए, उसी में आपके पेड़ पौधे, अब पूरे पेड़ पौधे भी नहीं आपके, ठीक है, कुछ तो और भी है, तो भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, कि समुद्र से ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, बस। इसका क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर, क्योंकि जो महासागर है उसमें बहुत कम बदलाव देखा गया है, बाकी और जो अन्य पारिस्थितिक तंत्र है उसमें निरंतर बदलाव देखा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारत में कौन सा पशु विलुप्त तो हो चुका है। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी सफेद शेर, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा 1952 में ही चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया है, ठीक है, 1952 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए शांत घाटी, ऑप्शन बी कश्मीर घाटी, ऑप्शन सी फूलों की घाटी, ऑप्शन डी दामोदर घाटी। तो देखिए क्या लिखा है लाइन, सर्वाधिक जैव विविधता, मतलब
जहां पेड़ पौधे पशु पक्षी और अन्य जो सूक्ष्म जीव है उसकी अधिक मात्रा वहां पाई जाएगी, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन सर्वाधिक जैव विविधता। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत घाटी, जो कि कहां है, केरल में है। ऑप्शन नंबर बी क्या था आपका, कश्मीर घाटी, तो कश्मीर में ही है। फिर आपका फूलों की घाटी, तो वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, उत्तराखंड में है। तो ये भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने रख दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। हम लोग ACF अभी आपका जो मेन एग्जाम है उसके लिए आप सबको प्रिपरेशन करा रहे हैं, और आपके बाकी साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और शेयर करें हमारा वीडियो, ताकि सबका भला हो पाए और आप सभी ACF रेंजर में आप सबका सिलेक्शन हो पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।